जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए करंट अफेयर्स, हरियाणा सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस, कंप्यूटर, जीके जीएस के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, तो खुद से प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सपोसी क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा सपोसी क्या है? मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। ऑप्शन जो ए है आपका साइबर मालवेयर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मक्कल निधि मयम नाम की नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च की गई है, इसका गठन किस दक्षिण भारतीय अभिनेता ने किया है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका कमल हसन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। मैत्री गेट संबंधित है, तो मैत्री गेट ये किससे संबंधित है? तो मैत्री गेट संबंधित है मेघालय बांग्लादेश सीमा पर विटिंग डिस्ट्रिक्ट से, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। हरियाणा में सबसे पहले औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? बताइए क्या आंसर होगा। तो हरियाणा में सबसे पहले औद्योगिक नीति 6 जून 2005 को घोषित की गई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है? बहादुरगढ़, होडल, शमालखा, कुंडली, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है आपका बहादुरगढ़, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे ये बताना है आपको। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका शन्नू देवी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। फरीदाबाद जिला हरियाणा के किस मंडल में अवस्थित है? गुरुग्राम मंडल, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में दूसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लगा? वर्ष 1977 में, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। प्रसिद्ध कर्ण झील कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध कर्ण झील की बात हो रही है करनाल में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुजरी महल कहाँ स्थित है? भैया मेरे ये बताइए, गुजरी महल, तो गुजरी महल ये हिसार में स्थित है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है? जल्दी से आंसर दीजिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समुद्र में दीर्घ ज्वार कब उठता है? पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंगलीय विलयन का पीएच होता है क्या? आंसर होगा 7 से कम, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बूर, तमिलनाडु में, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? लॉर्ड विलियम बंटिंक, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन है? सत्यजीत राय, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए, आदम का पुल ये कहां पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन,
ईमेल मैसेज जो डिस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाता है बाउंस मेल। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है प्रकाश के बराबर। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत एक है राज्यों का संघ। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीन बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? सी वाला जो ऑप्शन है आपका मेक स्थनीज, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल प्रदूषण की मात्रा को किसके माध्यम से मापा जाता है? BOD। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर से तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? JA हिक्की। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 1995 में। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लगभग लगभग। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? 1928 में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? डी वाला जो ऑप्शन है आपका 31 मई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। क्या आंसर होगा? लोथल। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, थाल घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पश्चिमी घाट। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, योग दर्शन के संस्थापक भैया मेरे कौन थे? योग दर्शन के संस्थापक की बात हो रही है यहाँ पे, बी वाला जो ऑप्शन है आपका पतंजलि, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक भैया मेरे कौन थे ये बताइए जरा। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? अदरक। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्गत आउटपुट साधन संभव बनाते हैं आंकड़े देखना और प्रिंट करना। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? पेट्रोल तथा इथेनॉल। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है, एम्पियर किसकी इकाई है?
एम्पियर की बात हो रही है, तो एम्पियर जो है ये विद्युत धारा की इकाई है, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त ना करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? 2400 कैलोरी, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा, सीसा, तांबा, चांदी। लोहा का, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1976, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर कॉपर, जस्ता, निकल का मिश्रण है, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विमुद्रीकरण क्या होता है? पुराने नोटों का चलन बंद कर देना, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोशाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? ऑप्शन ए जो है आपका इजराइल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मोशाद कहाँ का, ये तो हो गया है आपका, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है आपको, आंसर मैं क्लियर कर देता हूँ, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अफीम हरा सोना, पाइराइट्स झूठा सोना, आम फलों का राजा, लीची फलों की रानी, इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, सेब उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन, कुफरी कुफरी बहार किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए जो है आपका आलू, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल है? पश्मीना, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? खरगोश, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? स्टोरेज में, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मॉडर्न नाम निम्नलिखित में से लिया गया है? मॉडर्न ये लिया गया है, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लैन, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला संख्यात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? ऑप्शन ए जो है आपका ENIAC, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। DTP का पूरा नाम क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर, ए बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। कंप्यूटर वायरस होता है? कंप्यूटर वायरस होता है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। WLL का पूरा रूप क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है कंप्यूटर में IC का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर में IC का अर्थ, तो कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है